नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। यहाँ पर मैंने कुछ आम लिए हुए हैं, अब हम इनको अच्छे से धोएंगे। यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धो दिया है, अब हम इनको सुखाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो हम इनके पीसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं, अब हम इन पीसेस को एक वाइट दुपट्टे के ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वाइट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको वाइट दुपट्टे के ऊपर डाल दिया है, अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम इनकी एक गांठ बना लेंगे। यहाँ पर मैंने गांठ बना लिए हैं, अब हम इस गांठ को किसी अच्छे से जगह लटकाएंगे और इस गांठ को हम पूरी रात ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। जब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तब हम इस गांठ को खोल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आम के पीसेस में से सारा पानी निकल चुका है, तो हमने इन पीसेस को एक बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है मेथी, जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च। अब हम इन मसालों को अच्छे से भुनेंगे और इसको अच्छे से सिलबट्टे पे पीसेंगे। यहाँ पर मैंने सभी मसालों को अच्छे से भून के पीस लिया है। अब हम इन मसालों को आम के पीसेस में अच्छे से डालेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो के करीब नमक, हल्दी, देगी मिर्च, ढाई सौ ग्राम सरसों का तेल। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है और हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। अब हम अचार को एक डब्बे में डालेंगे। यहाँ पर मैंने अचार को डब्बे के अंदर डाल दिया है। इसके ऊपर से हम 1/2 लीटर सरसों का तेल डालेंगे और हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।